आज से पूरे एक साल पहले की बात है, दैट इज 29 जनवरी 2022। आज के दिन मेरे प्री बोर्ड्स का रिजल्ट था। आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट माई मार्क्स कि मैं तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लूंगा, बट वेन आई सॉ माई रिजल्ट आई वॉज लिटरली शॉक्ड। सबसे पहला झटका तो मुझे तभी लग गया था जब मैं क्लास में एंटर हुआ और सबसे पहले मेरी टीचर ने ये अनाउंस कर दिया कि सावन पारिक तुम मराठी के सब्जेक्ट में फेल हो गए हो। जस्ट इमेजिन, मेरी टीचर ने ये चीज़ मेरे पापा के सामने अनाउंस की थी। मेरे पापा मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं टीचर की तरफ। फिर मैंने अपनी फाइल उठाई और मैं बेंच की तरफ जाके बैठ गया। जैसे ही मैंने अपनी फाइल खोली, सबसे पहले पेपर था इंग्लिश का और उसके अंदर मैंने 46.5 स्कोर किया था, वो भी 100 में से। उसी टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया था, बट फिर जैसे मैंने एक एक करके अलग अलग पेपर खोलना चालू किया, हिंदी में मैंने स्कोर किया था 54 100 में से, प्लस मराठी में तो मैं फेल ही हो गया था। मैंने 23 out of 100 स्कोर किया था। मैथ्स के अंदर मैंने नियर अबाउट 70 to 75 के बीच में ही स्कोर किया था, एंड प्लस SST में मैंने 85 स्कोर किया था। और मेरे प्री बोर्ड्स के मार्क्स देखने के बाद में आई वॉज लिटरली ब्लैंक। ऐसे लगा मेरे 90% प्लस का सपना एक मिनट में टूट गया, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन किया, प्लस अपने डैड से प्रॉमिस किया कि अब तो बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ के रहूँगा और लग गया मेहनत के लिए। एक बात तो क्लियर थी, जो भी है ये लास्ट के 1 मंथ में ही है। या तो मैं पढ़ाई करूँ, अपनी मिस्टेक्स से सीखूँ और बोर्ड एग्जाम में टॉप कर लूँ, या फिर फालतू का स्ट्रेस लेके खुद को एक फेलियर समझ के एवरेज मार्क्स स्कोर करूँ। द चॉइस वॉज माइन, बट नाउ इट्स 29 जनवरी 2023, द चॉइस इज योर्स। अब अगर हम राउंड फिगर पकड़ें, आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 30 डेज बाकी हैं। नाउ द चॉइस इज योर्स। भले ही आपके प्री बोर्ड में एकदम खराब मार्क्स आए हो या फिर आपने टॉप किया हो, प्री बोर्ड्स तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है, असली लड़ाई तो हमें बोर्ड एग्जाम में लड़नी है। अपने सारे मिस्टेक्स को ध्यान में रखना, रिपीट मत करना, जम के अच्छे से मेहनत करो, आप जरूर फोड़ के आओगे। क्या आपको पता है 10th बोर्ड एग्जाम्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है? पता है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम्स की वजह से आपको फर्स्ट टाइम अपने पूरे लाइफ में चांस मिला है खुद को प्रूफ करने का, वो भी अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को, सबसे मेन खुद को प्रूफ करने का कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तक अगर आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, आज से चालू कर दो। ये जो लास्ट के 30 डेज है फेब्रुवरी के, जो ये जो पूरा मंथ है फेब्रुवरी का, इसको अपना टर्निंग पॉइंट बना दो। अगर आपको लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी चाहिए, मैं लाने वाला हूँ। इसीलिए जम के पढ़ाई करो, मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो, मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करो, आप बोर्ड एग्जाम को जरूर टॉप करोगे। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।